आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई कजन एंड मैंने बोला यार आंटी आजकल टेंशन बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं. तो देन ही सेड कि अब आप उनकी ना थोड़ी उम्र हो गई है तो उम्र की वजह से भी वो टेंशन ले रहे हैं. सो जब हम उम्र की बात करते हैं, जब हम बढ़ती उम्र की बात कर रहे हैं स्पेशली लेडीज़ में, तो बात आती है उनके हॉर्मोन्स पे, क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फील अस हैप्पीनेस और सैडनेस. तो तब बात आती है मेनोपॉज की. मेनोपॉज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपके पीरियड्स बंद होने लगते हैं या बंद हो जाते हैं, एंड जिसमें आपका फीमेल हार्मोन जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है वो घटना स्टार्ट हो जाता है, एंड समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से मेल हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. तो इस प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये एजिंग की तरह नेचुरल प्रोसेस है. बट हाँ, मैं हमेशा लेडीज़ को बोलती हूँ कि हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इसमें से हम ईजी ब्रीजी होके कैसे निकल जाएं. तो ईजीली हम कैसे निकल जाएं, ये हम कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक जड़ सी चीज़ बताती हूँ कि एक फीमेल का मेनोपॉज का पीरियड कैसा जाएगा. दैट डिपेंड्स अपॉन होल ऑफ हर लाइफ. कई लोगों का जैसे टीनेज में या शादी के बाद काफ़ी साल ना स्ट्रेस में गुजरे होते हैं, या फिर स्ट्रेस में गुजरे होते हैं, या फिर आप लगा लो कि कुछ ना कुछ उनका कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होते हैं, अबॉर्शंस ज़्यादा हुए होते हैं, डिलीवरीज में कुछ प्रॉब्लम आई होती है, या शुरू से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अपने पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट रह चुके होते हैं. तो अगर उस टाइम पे आपको मेनोपॉज का जो टाइम है वो आपके लिए मोर डिफ़िकल्ट होता है. जितना ही आपकी लाइफ बिना हार्मोनल इम्बैलेंस के अच्छे पीरियड्स आते रहें, नॉर्मल आपको कोई दिक्कत ना आए, स्ट्रेस ना हो, उस तरह से अगर आपकी लाइफ जो है वो बतीत हुई है, तो मैं कहती हूँ आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको मेनोपॉज हुआ और निकल गए आप उसमें से. तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो मेनोपॉज की आइडल एज होती है, लाइक डिपेंड करता है, अब जैसे मैं अपनी मम्मी वगैरह की बात करूँ, है ना, उन्होंने 52-54 की एज में उनको हुआ था, है ना. तो ये उनका सिग्नल है कि वो कितना हेल्दी, वो अपने टाइम पे उन्होंने टाइम किया है, हेल्दी कैसे वो रहे, क्योंकि पुरानी ईटिंग हैबिट्स थी, चीज़ें थी, सो ऑन, है ना. अब अगर मैं देखूँ कि नॉर्मल आपको 42, 45 एज भी अब जो एक्सपर्ट्स ने बोल दी है, डॉक्टर्स ने बोल दी है कि इस एज पे आपको हो जाता है, बट मैंने देखा है कि कई लोगों को 39 में, 38 में, 37 इवन 35 में, जिसको प्री मेनोपॉज बोलते हैं ना, कि आपको प्री मेनोपॉज हो गया, आपको मेनोपॉज के स्टेज से पहले ही मेनोपॉज हो गया. तो दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग. चलो अब हम बात करते हैं कि मेनोपॉज में आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जो आएंगे ही आएंगे, चाहे आप हेल्दी हो नहीं हेल्दी हो, वो है हॉट फ्लशेस होना, टेंशन का इंक्रीज हो जाना, नींद ना आना, मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी होना, बिना बात के स्ट्रेस होना, इनसिक्योरिटी, फियर में रहना. तो ये सारे सिम्टम्स मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा हैं आप अगर नोट करें तो. फिजिकल सिम्टम्स में आपके हॉट फ्लशेस हैं ज़्यादा, जो आपको तंग करते हैं, ठीक है. हॉट फ्लशेस वालों को पूछ के देखो कि क्या होते हैं. कभी वो पतली चद्दर ओढ़ेंगे, कभी ये लगेगा कि कपड़े भी निकाल दें, इतनी गर्मी लग रही है, कभी एकदम से ठंड लगेगी, वो कंबल ओढ़ेंगे, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मैं आपके पास दिखाकर, मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मैंने कहा ना बताने में कन्फ्यूज़न हो जाती है, दिखाऊंगी तो आप अच्छे से समझ लेंगे कि मैम क्या दिखा रही हैं और किस तरह से हम चीज़ें जो है फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी जी कैश्यू की, काजू की, सबका फेवरेट, पर इससे मोटे नहीं होते. तो जो आपका काजू है, इट्स अ वेरी वेरी गुड इन मेनोपॉज. कैसे? क्योंकि ये होता है मैग्नीशियम रिच, इसमें बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, एंड जो मैग्नीशियम होता है दैट डायरेक्टली वर्क ऑन योर एंजाइटी लेवल्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड हॉट फ्लशेस. तो इसीलिए जो आपका कैश्यू है, ये मेनोपॉज स्टेज है अगर आपकी, तो आप लेडीज इसको ज़रूर ऐड करें. इसको खाना कैसे है, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो बैलेंस्ड होती है. बहुत ही ठंडा मीठा कुदरत का फ्रूट है ये, नट है ये. तो आप इसको 5-6 कैश्यूज डेली आपने लेने हैं,
सुबह उठ के, ठीक है जी, बिफोर योर, जब आप अपना फ्रूट्स खा रहे होते हो सुबह उठ के, एकदम से चाय तो नहीं पीते ना आप, हाँ, तो सुबह उठ के जब आप अपना पानी लेते हो या कुछ आप अपना फ्रूट लेते हो, बनाना लेते हो, तो उसके साथ आप ये 5 काजू जो हैं, 5 से 10, नॉट मोर देन 10, नॉट लेस देन 5, तो 7, 8, 10 लें, 5, 4 जितने लेने हैं आप लें, जितना आपको सुखाता है, और ये ट्रूली हेल्प करता है आपके सिम्टम्स को भगाने के लिए, ये हैप्पी हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। दूसरा मोस्ट इफेक्टिव आपके मेनोपॉज में वो है रेजिन्स, सौगी, बहुत सारे नाम है इसके, सौगी, किशमिश, रेजिन्स, इसमें बोरोन होता है, तो जो बोरोन होता है ना वो आपके कैल्शियम को भी रिटेन करके रखता है एंड एस्ट्रोजन को भी, जो मेन हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन है जिसकी वजह से पंगे पड़ रहे हैं, तो उसको भी रिटेन करके रखता है। तो इससे एक तो आपको इस एज में, इस स्टेज में, क्योंकि मसल्स लेडीज़ के बहुत वीक हो जाते हैं, बॉडी पेन्स बहुत होती हैं, ठीक है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, तो एक तो वो कैल्शियम रिटेन करके रखता है सो दैट आपका कैल्शियम फ्लश आउट ना हो, आपके मसल्स को, आपके बोन्स को स्ट्रेंथ मिले, एंड दूसरा ये आपके एस्ट्रोजन को भी बूस्ट करता है एंड उसको रिटेन करता है, बचा के रखता है बॉडी में। तो रेजिन्स को कैसे खाना है, इसको आपने रात को 10 से लेके 15 रेजिन्स को सोक कर देना है लेडीज, पूरी रात सोक रहेगा, सुबह उठ के ये फूल के छोटे छोटे ब्राउन अंगूर से बन जाएंगे, एंड देन फिर आपने जब काजू खाना है अपना, जब कैश्यू खाना है, तो ये भी आप साथ में खा लेंगे। एंड अगर आप इसका पानी भी पी लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। जिन लेडीज़ को मेनोपॉज के साथ साथ आयरन की कमी है, वो इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, पानी भी इसका पी सकते हैं, ठीक है। एंड जिन लोगों को ज़्यादा बॉडी पेन्स रहते हैं, ज़्यादा वो रहता है, तो वो आप काजू को सुबह की बजाय, जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स हैं, मेनोपॉज के साथ साथ अर्थराइटिस भी है, बॉडी पेन्स हैं, तो वो इसको सुबह की बजाय रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके नींद पे भी काम करेगा, ठीक है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है ज़्यादा, मेनोपॉज के ना अलग अलग वो होते हैं, किसी को नींद ना आना ज़्यादा परेशान करता है, किसी के एनजाइटी लेवल्स हाई होते हैं, किसी को हॉट फ्लशेज ही तंग कर रहा होता है और कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता। तो अगर आपको ज़्यादा नींद वाली चीज़ तंग करती है, और तो आप ये काजू का इस्तेमाल रात को हल्दी वाले दूध के साथ करें। बट याद रखें, अगर आपको पाइल्स है जी, या फिर आपको हाई बीपी भी है साथ में, तो आप हल्दी वाला दूध ना यूज़ करके सिंपल दूध यूज़ करें। अब हम स्विच करते हैं जी पम्पकिन सीड्स पे। ये देख लीजिए थोड़ा सा कैसे दिखते हैं पम्पकिन सीड्स हमारे, और कद्दू के बीज, ठीक है। जो पम्पकिन सीड्स हैं ये क्या करते हैं, इनका क्या फ़ायदा है जी, इनका तो मैं अगर बोलूँ ना कि अब बोलो कि मैम इन चारों में से एक बताओ जो ज़बरदस्त मेनोपॉज के लिए सबसे अच्छा है, तो वो है पम्पकिन सीड्स। क्यों, कैसे? क्योंकि पम्पकिन सीड्स में आपके होते हैं फाइटो एस्ट्रोजन्स, मीन्स जो हार्मोन कम होने की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, अरे भाई वही इसमें है, वो इसमें पड़ा हुआ है। तो फाइटो एस्ट्रोजन जो कंपाउंड्स होते हैं इनका, ये बराबर है आपके एस्ट्रोजन हार्मोन के, तो दिस इज वेरी गुड। इवन हम अपने कुछ मेनोपॉज के पेशेंट्स को पम्पकिन सीड्स का हम पर्सनली रिकमेंड करते हैं कैप्सूल भी, पम्पकिन सीड ऑयल का 2-3 जो ग्राम है आप इसका ऑयल ले सकते हैं, एंड 2-3 mg पम्पकिन जो ऑयल है उसका कैप्सूल भी हम इफ रिक्वायर्ड तो हम मेनोपॉज स्टेज में ऐड करते हैं, इतना अच्छा है ये आपके लिए। तो इसको भी आप रात को सोक करके रखेंगे, उसके बाद आप इसको किसी भी टाइम मिड मॉर्निंग के टाइम ले लें, जैसे आप होता है ना 11-12 बजे फ्रूट्स खाते हैं या चीज़ें, तो आप ये खाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, या फिर आप इवनिंग की चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया ये कोकोनट, सबसे ज़्यादा अच्छा यही दिख रहा है इसमें। तो कोकोनट जो होता है भाई आपका, ये कोकोनट की जो गिरी है इसको आप ग्रेट करके, या इसको आप सैलड बना के, या इसको आप रॉ खाएंगे, अगर एक तो आपको क्योंकि जब मेनोपॉज स्टेज होती है तो थोड़ा शुगर लेवल्स अप डाउन होने लग जाते हैं, मैं ये नहीं कहती डायबिटीज़ हो, बट थोड़ी बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लग जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है,
ठीक है, अच्छे फैट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जो कोकोनट है आपका, ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है, बट आप इसकी कच्ची गिरी ही इस तरह से खाएं, सो दैट आपको आपको ये हॉट फ्लशेस में, और जिन लोगों के तले बहुत जलते हैं, पैरों पैरों के नीचे बहुत मेनोपॉज स्टेज में बहुत जलन होती है, जैसे लगता है जैसे मतलब बहुत यू नो गर्मी लगती है, तो उनके लिए भी ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आप जो कोकोनट है उसको भी अपनी डाइट में ऐड करें। इसको आप कैसे खा सकते हैं, इसका बेस्ट टाइम खाने का है मिड मॉर्निंग। आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अनार वगैरह में डाल के खा लो, सैलेड बना लो, या फिर ऐसे ही आप थोड़ी सी कच्ची गिरी लेके, आपने देखा होगा बसेस वगैरह में, आप पंजाब साइड जाओ, हरियाणा साइड जाओ, वो पूरा सजा के फूल बना के थाली में घूम रहे होते हैं कि कोकोनट गिरी कोकोनट गिरी। तो ये गर्मियों का भी एक सुपर फूड है एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, हेयर एंड एवरीथिंग, क्योंकि इस स्टेज पे हमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है, हमारा हेयर हमारा स्किन दांव पे लग जाता है जब हमें मेनोपॉज होता है, तो ये उसी को भी रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो मेनोपॉज स्टेज पे लेडीज़ प्लीज़ ये चार चीज़ें डेफिनेटली आप ऐड करें अपने रूटीन में, एंड एक महीने के अंदर अंदर ही आपको डिफरेंस जो है वो लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।